ये हरिणी बाघ की तरफ भागी जा रही है। यही कोट कर रहा है जहां की तुम्हारी जो दुल्हन है, मैं अभी यहाँ कोट कांगड़ा की लाल बगीचे में छुप जाती हूँ, तुम परगट हो जाना, परगट हो जाना। लग रहा है यह बाघ की तरफ भाग गई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जहां जाएगी मैं पीछा जा रहा। मैं क्या करूं बेटा, एक बार को लेकर कुछ कगड़ा को अंदर मैं उनके पिताजी को लाल बगीचे में डाल दिया, मैं कैसे जाऊं बेटी चंपा के पास? सास मैं तो वचन बनाई थी कि बेटी चंपा यदि तुमको मुस्लिम से शादी करना है तो मैं जरूर करवा दूंगी। मैं अभी जाकर मैं खबर डालती हूँ, हो जाती है बेटी सुने की हमारी के बात आती है मैया के तोरे भाव हो गई। मेरी दुगामा जो बोली थी कि बेकी तुम लालबाग में जाएगा तुम्हारा स्वामी वहीं मिलेगा, लेकिन ना मेरी दुर्गामा आई ना मुझे खबर दी, मैं कैसे जानूंगी? मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। ये बखती है चंपा दीदी महलो के यही दरिया करती इंतजार के दीदी अपने मन्ना के, करती इंतजार के अपने मैया के, मैं क्या कहूं किससे कहूं? अच्छा माधुरी मन सुना, आज कोट कांगड़ा की तरीका देखकर मेरी कलेजा चूर है बेटी। क्या माँ ऐसी बात है बोलकर कहेगी? तुमको मैं पहले बता कर गई थी हाँ कि आज को आठ रोज में तुमको स्वामी
तुमको पिताजी की लाल बगीचे में ठहरेगी। अच्छा, लेकिन तुम अभी तक नहीं पहुंची हो, जल्द से जल्द आओ। माँ सच में ही है? हाँ। नीता दिन पूजा करियो तोरे मंदिर बाया, नीता दिन पूजा के करियो आप मैया। नीता दिन पूजा के करियो मन दीर में। अरे मैया सुन की हमारी जबा जाती है चंपा के जब टिकाता हूं, देखता हूं वह हरनी कहां भाग जा रही है। जब मैं देखूंगा उसे मैं गोली मार दूंगा और लेकर राज बनारस चले जाएंगे। खैर मैं डेरा टिका रहा हूं। मैं इस समय अपनी पिताजी को लाल बाग में मैं चार तरफ मैं घूम कर देखती हूँ। अच्छी अच्छी फूल मुरझाया है या लगा हुआ है कि नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। भगवान इस लाल बाग में मैं एक पुरुष को देख रही हूं, मैं जाकर उसे पहले खबर लेती हूं। ए परदेशी, तुम मेरे पिताजी को लाल बाग में और ये लेकिस बाग में तुम क्या करने के लिए आई हो? मैं क्यों आया हूं तुम नहीं समझ सके। मैं हरनी पीछा करते हुए, अच्छा वो हरनी भागी, मैं दौड़ा चलाया हूँ। वह हरनी यही बाग में छुप कर बैठ गई है। मैंने सोचा, मैंने इसलिए बैठा, वो हरनी निकलेगी मैं उसे गोली मार दूंगा। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ को रहने वाले हो? मैं कहाँ के रहने वाला हूँ? हाँ, अरे मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, तुमको क्या मतलब है इस बात की? देखिए, आप एक तो अनजान है और मेरे भैया जी को लाल बाग में आकर मुझसे आप बात केरा होकर कर रहे हैं। नहीं तो मैं अपने भैया जी को बोल दूंगी। रे भैया जी से बोलो और पिताजी से बोलो, मैं तो शिकार खेलने आया हूँ। मैं शिकार मार कर अपना बनारस में लौट जाऊंगा। क्या 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 बोला आपने? मैं शिकार खेलूंगा, शिकार खेल कर हरनी मिलेगी मैं उसे मारूंगा और राज बनारस चले जाऊंगा। बनारस? आपको पिताजी को नाम क्या है? मेरा पिता को नाम तुम क्यों पूछना चाहती हो? देखिए,
सारी खबरें रखना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमसे यह कह रहा हूं, मेरा घर आज बनारस, मेरे पिताजी को नाम 51 किलो क्षत्रियो जानते हैं। अच्छा दादा सैयद और मेरे नाम आली अकबर है। क्या नाम बोला? अली अकबर। धन है दुर्गा माँ, मेरी माँ सही बोल रही थी कि बेटी चंपा तुम जिस प्राणी पर परम खानी है और जिस स्वामी पर परम खानी है, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पिताजी को लाल बाग में आए, यही है यही है। मैं जाकर उसे पूछती हूँ, कुछ बातें चीते करूंगी। देखिए बोलो, आप आपके लिए मैंने परम खानी थी। क्या मेरे लिए तुम क्यों परम खानी? कि है दुर्गा माँ, सुनो यह बतलाएगी तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो, परम क्यों खानी हो। ठीक, आपने सही सवाल किया। देखिए मेरी घर कोट कांगर में है और मेरे पिताजी को नाम कांगर सिंह है। अच्छा, मेरे भैया जी को नाम नैनकेश्वर है और मेरी नाम कुमारी चंपा है। जब मैं छोटी थी तो मैंने परम खानी कि हे दुर्गा माँ, मुझे जब शादी होना चाहिए तो नगर बनारस, और मुझे अगर सासु देना तो रानी मरुआ। हो पिया पा क्या नाम हुआ क्या दी कौन चली क्या नाम हुआ हो बाबू हो कौन कहली स्वामी जी। मैं आशा लगाई हुई है। बिल्कुल सुनो, मैं कौन हूँ तुम कौन हो जानती हो? मैं नहीं जानती हूँ। तुम राजपूत हो? हाँ हाँ। मैं एक मुसलमान हूँ। तो क्या हुआ? तुम जो कह रही है ये सब बकवास है तुम्हारा। नहीं, ये बकवास नहीं है, मैं सही कह रही हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं? मैं अपनी दिल चीर कर दिखाऊं, जात पात का कोई ठिकान नहीं है। मुसलमान है तो क्या, और मैं राजपूत हूँ कि क्या? सिर्फ प्रेम होना चाहिए, प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
इसलिए मैंने आप पर परम ठानी थी, आप मेरे स्वामी हो। आप नहीं स्वामी मत कहा करो, तुम नहीं जानती हो क्या, तुम नादान हो, बच्ची हो, समझ नहीं सकती हो। क्या दीदी, क्या दीदी, क्या कोई चीज बच्ची है? हम तो धान से चार भगली, जुआन से तो हम अगर आई थी, आई का चीज बच्ची है। राजकुमारी कहिए, कैसे समझाऊं तुम्हें? देखिए आप मुझसे प्यार कीजिए, अगर प्यार नहीं कीजिएगा तो मैं ऐसे ही तरफ तर कर मर जाऊंगी। प्यार वैसे कैसे कर लूं? प्यार प्यार होता है, वैसा प्यार नहीं। जैसे प्यार कर लो, प्यार कर लो, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। मैं जात का मुसलमान हूँ, वैसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ। क्या? जब तक तुम मेरे सामने जो तुम्हारी वह मूरत मैं देख रहा हूँ, उसे मैं नहीं मानता हूँ। क्या? एक मिनट, आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मूर्ति है यानी तुम्हारी भगवान, उसे मैं फेंकार पकड़ कर फेंक दू, उठा कर फेंक दू? सच्चे मुसलमान का वही कर्तव्य होता है। देखिए ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रेम कैसा? अगर तुम कहती हो आपसे मैं प्रेम करती हूँ तो ठीक है, मेरे सामने यह मूर्ति को फेंक दो। मैं क्या करूं? मैं अपने परमेश्वर को यानी भगवान को अपनी पिंटा उखाड़ कर फेंक दूं? फेंकना होगा। अगर सच्चा प्रेम है तुम्हारी तो तुम फेंक दो, फिर मैं मान जाऊंगा। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप साइक हो जाइए और देखते रहिए। हाय भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है। ठीक है मैं जा रही हूं।